दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छांव कर रखी थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं होता था। महात्मा बुद्ध भी कुछ थके थके से लग रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय जो था वो संसार के कष्टों को देखकर बड़ा दुखी था, परंतु अपने ज्ञान के मुख से उनके सर ज्ञान से उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी। उनका ललाट जो था सदा चमकता रहता था। आदमी आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की ओर बढ़े, और अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल डाकू के अत्याचारों को सुनकर बड़ी चिंता हुई। वे बार बार यह सोचने लगे कि एक आदमी दूसरे से मिलकर रहने की बजाय उसे क्यों कष्ट पहुंचाता है, वह उसे क्यों मारता है। एक प्राणी को दूसरे प्राणी को देखकर प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? इस तरह सोचते विचारते हुए महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल की जंगल में आगे बढ़ रहे थे। उसी समय उन्हें एक भयंकर और भारी आवाज़ ने रोकते हुए कहा, ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो।